कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह का किसान आंदोलन इस समय दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, उसका अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। मौजूदा किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। इस दौरान कड़ाके की सर्दी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, पुलिस से टकराव हुआ, इंटरनेट बंद किया गया, यहां तक कि कुछ किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रेहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा जैसी विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद मामला और भी गर्मा गया। कंगना रनौत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, एकता कपूर, विराट कोहली समेत कई हस्तियों ने इसके खिलाफ पलटवार किया। मतलब यह बात साफ है कि किसान आंदोलन अब इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं किसान भारती। आज से तकरीबन 3 दशक पहले भी ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था। आंदोलन था गन्ने की कीमतों को बढ़ाने का। उस वक्त 5 लाख किसानों ने दिल्ली कूच किया और गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग के साथ राजधानी की सरकारी इमारतों के सामने धरने पर बैठ गए। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जिनसे सरकारें खौफ खाती थी। इसकी वजह थी उनकी एक आवाज पर लाखों किसान इकट्ठा हो जाना। 25 अक्टूबर 1988 को गन्ने का मूल्य, पानी और बिजली की दरों को कम करने और किसानों के कर्जे माफ जैसी मांगों को लेकर टिकैत ने दिल्ली के मशहूर बोट क्लब में डेरा डाल दिया। करीब 5 लाख किसान इकट्ठा हो गए। विजय चौक से इंडिया गेट तक सिर्फ किसानों के ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और बग्गी ही दिख रही थी। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तब भी पुलिस और सरकार ने आंदोलन को खत्म करवाने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाए थे। पानी और खाने की सप्लाई रोक दी। इसके बावजूद किसान नहीं डिगे। बाबा टिकैत को जो बात पसंद नहीं आती थी वो उसके परिणाम की परवाह किए बगैर मुंह पर कह देते थे। फिर चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से हर्षद मेहता केस में कथित घूस को लेकर सवाल करना हो या यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह को उन्हीं के सामने खरी खोटी सुनाना, महेंद्र सिंह टिकैत अपने आंदोलनों में किसी भी राजनीतिक दल के नेता के मंच पर आने के सख्त खिलाफ थे। यहां तक कि अपने गुरु चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी और उनके बेटे अजीत सिंह को भी एक बार मंच पर जाने से यह कहकर मना कर दिया कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ सकता। पिछले 2.5 महीनों से लाखों किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस आंदोलन का नेतृत्व अब महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे 51 वर्षीय राकेश टिकैत कर रहे हैं। आंदोलन को रद्द करने के लिए पुलिस ने बॉर्डर्स पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे खोदे तो कहीं नुकीली कीलों और कटीली तारों का सहारा लिया। सड़कों को खोदकर उसमें नुकीले सरिये लगाए गए। मार्ग पर रोड रोलर भी खड़े किए गए। प्रदर्शन स्थल से बिजली पानी बंद कर दिया गया। सरकार के इतने जुल्मों सितम के बाद लग रहा था कि मानो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस आंदोलन को जिंदा किया राकेश टिकैत के भावुक शब्दों ने। शब्द ऐसे जो एक किसान नेता की जुबान के निकले तो लाखों किसानों के दिलों को छू गए। जो किसान सरकार की क्रूर मंशा से परेशान होकर अपनी उम्मीदें हार कर घर लौटने का फैसला कर चुके थे तो राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसानों के उन पस्त हौसलों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी। एक वीडियो में उन्हें आंखों में आंसुओं के साथ यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो राकेश टिकैत आत्महत्या कर लेगा। अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुआ जैसे सूखे पत्तों में आग फैल जाती है। किसान आंदोलन के समर्थकों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। वीडियो के बाद अगले ही दिन हजारों किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए। गाजीपुर पर दोबारा मोर्चा संभालने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बता दिया कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता है तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं है। वे जगह जगह पंचायतों में भी शिरकत कर समर्थन मांग रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने राकेश टिकैत को समर्थन भी दिया है। बीते दिनों यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा और हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाजीपुर पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर पहुंचे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी टिकैत से कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है। शिवसेना के नेता संजय राउत भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने अपने सांसदों के साथ पहुंचे थे। संजय राउत ने कहा कि हम पूरी ताकत से
राकेश टिकैत के साथ रहेंगे। सरकार को ठीक से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए, अहंकार से देश नहीं चलेगा। इस वक्त राकेश टिकैत किसान आंदोलन का चेहरा बन गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1988 के आंदोलन में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत बने थे। राकेश टिकैत जहां धरने पर बैठे हैं वहां उनके पिता के बहुत सारे पोस्टर लगे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि किसानों को उनके परिवार से बहुत उम्मीदें हैं और मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको बहुत से लोग राकेश टिकैत के साथ सेल्फी लेते दिख जाएंगे और शायद आप भी ऐसा ही करेंगे। उनके समर्थक उन्हें अपने गाँव से चंदा जमा करके लाकर देते हैं, जिससे आंदोलन को चालू रखा जा सके। टिकैत ने जिस तरह किसानों में उत्साह भरा है वह सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। सरकार को लगा था कि 26 जनवरी को होने वाली हिंसा के साथ किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराने वाले दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जीकरपुर से गिरफ्तार कर लिया। दीप सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। सिद्धू पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सिद्धू को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, ताकि लाल किले पर हुई हिंसा का पूरा सच सबके सामने आ सके। दिल्ली पुलिस ने एक्टर दीप सिद्धू पर 1 दर्जन से ज्यादा धाराएं लगाई हैं। रीना रॉय, दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड, जो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मदद कर रही थी, वो रीना ही हैं जिसने दीप सिद्धू के कुछ वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वो वायरल हो गए। इन वीडियोस में से एक में दीप सिद्धू ने कहा था कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो कई लोगों के राज भी सामने आ जाएंगे। इन वीडियोस के सोशल मीडिया पर आने के बाद से पुलिस के सामने ये चुनौती भी आ गई थी कि दीप सिद्धू वीडियो पोस्ट कर रहा है और पुलिस की टीमें उसे पकड़ नहीं पा रही हैं। जब वीडियो पोस्ट करने की जगह की पहचान की गई तो वो कनाडा मिली। बाद में जब वो पकड़ा गया तब पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसकी गर्लफ्रेंड रीना ने ये वीडियो पोस्ट किए हैं। इसके बाद पुलिस ने रीना रॉय के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। दरअसल दीप सिद्धू और रीना राय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के 2 फेमस चेहरे हैं। रीना राय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर अपनी हॉट फोटोज को पोस्ट किए जाने की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। बीते 2 साल से दीप और रीना पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स माने जाते हैं, मगर कोरोना के बाद से दोनों के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। दीप सिद्धू पहले ही ये बता चुका है कि कोरोना के बाद से उसके पास काम नहीं था, जिसके कारण वो किसानों के आंदोलन के समर्थन में आ गया। यहाँ आने के बाद उसे सपोर्ट मिला और लाल किले तक पहुंच गया। एक बात ये भी कही जाती है कि दोनों ने अपने रिश्तों को लेकर कभी भी खुलकर कोई बात नहीं की, मगर उनके पुराने वीडियोस देखने से पता चल जाता है कि दोनों के बीच कितने अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत के रास्ते कतई बंद नहीं हुए हैं। कृषि मंत्री लगातार किसानों के संपर्क में हैं। उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि नए कृषि कानून देश में बड़ा परिवर्तन लाने वाले साबित होंगे। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने का मतलब ये कतई नहीं है कि बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भविष्य में भी कोई कमी होती है तो उसे सुधारा जाएगा। साथ ही किसानों की मंडी व्यवस्था मांग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह और बेहतर होगी और MSP को कतई खत्म नहीं किया जा रहा है। MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। PM मोदी ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने फायदे के लिए उठाते हैं तो क्या होता है? नक्सलवादी, आतंकवादी आदि जो जेल में बंद हैं, उनकी फोटो लेकर रिहाई की मांग करना किसान आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है। PM मोदी ने कहा कि कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि जो पहले हक और व्यवस्थाएं उनके पास थीं, उनमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसका जवाब कोई देता नहीं है, क्योंकि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कानून लागू होने के बाद ना देश में कोई मंडी बंद हुई, ना MSP बंद हुआ, ये सच्चाई है। इतना ही नहीं, ये कानून बनने के बाद MSP की खरीद भी बढ़ी है। इस बीच कांग्रेस सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। खास तौर पर अधीर रंजन चौधरी तेज तेज आवाज में बोलने लगे तो PM मोदी ने कहा कि मैंने देखा कि यहाँ कांग्रेस के साथियों ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। वो रंग पर तो बहुत चर्चा कर रहे थे कि काला है या सफेद है, परंतु
अच्छा होता अगर वो इनके इंटेंट और इसके कंटेंट पर चर्चा करते। बाद में लोकसभा से कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया। पीएम मोदी की आंदोलनजीवी वाली बात पर राकेश टिकैत ने पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने जो आंदोलनजीवी कहा है, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा, यह जुमलेबाजी थी। किसान आंदोलन को और भी मजबूत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत इस समय जगह जगह जाकर महापंचायत कर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे ही आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। टिकैत ने आगे कहा कि अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। आंदोलन प्रेमी व्यक्ति वाले बयान को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी अपने जीवन में कभी भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। वास्तव में उन्होंने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है, उन्हें आंदोलनकारी के जीवन के बारे में क्या पता होगा। टिकैत ने कहा, भगत सिंह यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी भी आंदोलन का हिस्सा रहे थे। राकेश टिकैत ने आगे कहा, किसान आंदोलन इस साल 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा, इसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान विरोध प्रदर्शन स्थलों पर लौटेंगे। यह पूछने पर कि वे हरियाणा में महापंचायतों को संबोधित क्यों कर रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत ने सवाल पूछते हुए कहा, क्या हरियाणा में महापंचायत आयोजित करना प्रतिबंधित है? आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने राजस्थान के भवानी जिले में एक किसान महापंचायत में एक उग्र भाषण दिया। टिकैत ने इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के जिंद जिले में किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की। भारत में इन दिनों माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर काफी दबाव में है। वैसे तो ट्विटर का इस्तेमाल लोग अपनी आवाज को बुलंद करने और अन्य मुद्दों पर राय रखने के लिए करते हैं, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि इसके जरिए किसान आंदोलन के दौरान भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट साझा की जा रही है और आंदोलन को लेकर कई आपत्तिजनक हैशटैग चलाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन पर अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना के ट्वीट के बाद कई और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी ट्वीट किया, जिनमें युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के अलावा विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भी बढ़ चढ़कर ट्वीट किया और हैशटैग का इस्तेमाल किया था। ट्विटर ने भारत सरकार की आपत्ति के बाद 1178 में से 500 से अधिक अकाउंट पर कार्रवाई की है। ट्विटर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि दुनिया भर में स्वतंत्र इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। ट्विटर ने अपने ब्लॉग में लिखा, सरकार के आदेश के बाद कुछ अकाउंट को बंद किया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि उनकी सामग्री भारतीय कानून के मुताबिक ही है, इसलिए उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया। ट्विटर ने बताया कि उसने मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्ट के खाते पर कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से इन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार जो कानून के तहत मिले हैं उसका उल्लंघन होगा। ट्विटर ने अपने बयान में कहा कि वह अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी रखेगा। हालांकि ट्विटर ने साथ ही कहा, हमने अकाउंट को बंद करने के आदेश में चिन्हित खातों के एक हिस्से पर हमारी देश में विषय वस्तु नीति के तहत केवल भारत में ही रोक लगाई है, ये खाते भारत के बाहर उपलब्ध रहेंगे। ट्विटर ने कहा है कि वह अपने मंच पर स्वस्थ चर्चा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच देशी ट्विटर कहे जाने वाले ऐप कू का सरकार ने ट्विटर के ब्लॉग पोस्ट का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया है। कू करीब 10 महीने पुराना माइक्रो ब्लॉगिंग स्टार्टअप है और यह सभी लोगों को अपनी भाषा में अपने विचार या राय को व्यक्त करने की आजादी देता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ट्विटर के अनुरोध पर आईटी सचिव कंपनी के मैनेजमेंट के साथ जुड़ने वाले थे। इससे पहले ही ब्लॉग पोस्ट का आना असामान्य है। सरकार का कहना है कि वह जल्द अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। नवंबर की कड़कड़ाती ठंड से किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरने पर बैठे हैं। कई दौर की वार्ताओं के बावजूद सरकार उन्हें नहीं मना पाई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि इसे 2014 में सत्ता पाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि वे कानूनों को वापस लिए जाने तक डटे रहेंगे। नए कानूनों के तहत किसान मुक्त बाजार में अपनी फसल बेच पाएंगे, जबकि किसान सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। किसानों का कहना है कि नए कानून उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों का मोहताज बना देंगे,
लेकिन सरकार का कहना है कि नए कानूनों से कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। भारत में 2/3 लोग किसी न किसी तरह खेती बाड़ी के काम में ही लगे हैं। कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती।